तो कप्तान केएल राहुल ने खेल ली फिर से कप्तानी पारी। जी हां, लखनऊ सुपर जायंट्स की पारी हुई समाप्त, लेकिन हीरो बने केएल राहुल। लगातार दूसरा शतक और दोनों शतक उन्होंने बनाए मुंबई के खिलाफ। देखिए उनको मुंबई की गेंदबाजी कितनी पसंद आती है, आप देख सकते हैं कि आज भी उन्होंने नॉट आउट पारी खेली, आज भी उन्होंने सैकड़ा जड़ा है। अगर आपको बता दें कि 2008 से लेकर 2022 के पूरे आईपीएल के इतिहास में क्रिस गेल उन्होंने सबसे ज्यादा 6 सेंचुरी मारी है, उसके बाद होते विराट कोहली जो बैंगलोर से खेलते उन्होंने 5 शतक मारे हुए, जॉस बटलर 4 सेंचुरी, तो उसके पीछे केएल राहुल उन्होंने भी अभी तक 4 सेंचुरी मारे और उन 4 में से 2 सेंचुरी जो 2 शतक जो है वो इसी सीजन में, और दोनों शतक जो है मुंबई के अगेंस्ट आए हुए। तो जिस तरह से केएल राहुल ने पूरी पारी खेली है बहुत ही लाजवाब थी, बहुत ही अच्छी और उमदा पारी थी। अगर उनके स्कोर कार्ड पे अगर हम नजर डालें तो केवल 62 गेंदों का सामना करते हुए 4 बड़े छक्के, 12 चौके और 166 के स्ट्राइक रेट से केएल राहुल ने नाबाद 103 रन बनाए। पूरे पारी का अगर विश्लेषण करें तो 168 रन के पारी में केएल राहुल का योगदान था 103 रन का। तो पूरी तरह से कहे तो ये तो पारी थी केएल राहुल की कप्तानी पारी। चलती लोकल से युवती को फेंकने की कोशिश, मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट, मुख्यमंत्री ने जारी किए नए दिशा निर्देश, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान गिरफ्तार, भारत सरकार का बड़ा फैसला, 15 अगस्त से मुंबई करो को लोकल में एंट्री, खबरों का सहनसा, मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।